इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। सारण तटबंध के टूटने से चार प्रखंडों में बाढ़ के पानी से लाखों लोग प्रभावित। गोपालगंज जिले में सारण तटबंध के टूटने के बाद जहां एक तरफ जिला प्रशासन से लेकर बाढ़ नियंत्रण विभाग तक की बिहार में किरकिरी हुई है, वहीं इस बांध के टूटने से लगभग चार प्रखंडों के 2.5 से 3 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। कईयों ने बाढ़ में अपनी जान भी गंवा दी है। इसके बाद भी जिला प्रशासन बचे हुए बांधों के प्रति निरंकुशता दिखा रहा है, जिसकी वजह से एक और जगह पानी तेजी से कटाव कर रहा है। आपको बता दें कि कुचायकोट प्रखंड के काला मितिहनिया पंचायत अंतर्गत विशंभरपुर गांव के समीप गंडक नदी द्वारा रविवार की रात्रि से ही अचानक कटाव होने लगा, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन की टीम ने मौके पर जाँच पड़ताल कर बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से लगाए गए एजेंसियों पर ग्रामीणों ने मरम्मति के नाम पर खाना पूर्ति करने का आरोप लगाकर हंगामा किया। उनका कहना था कि 100 बोरों की जगह 20-25 बोरों को जाली में लगाकर फेंक दिया जा रहा है, जिससे कटाव नहीं रुक पा रहा है। ग्रामीणों का यह भी आरोप था कि खाली बोरियां भी नदी में फेंक दी जा रही है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से काम कर रही एजेंसियों पर कार्रवाई करने की मांग की है तथा मांगों को लेकर प्रशासन विरोधी नारे भी लगाए हैं। उनका कहना था कि समय रहते काम में लापरवाही हो रही है, अगर गांव में पानी आ गया तो ये लोग कैसे सहायता करेंगे। स्थिति है समरपुर में, नदी पूरा ऐसे रखी हुई है और हम लोग पहले से भी मांग करते रहे हैं कि इस साल ऐसे करेगा नदी और इस पर समय रहते ध्यान देने की जरूरत है। आज बढ़िया से इस पर ध्यान दिया गया रहता तो इतना भयावह स्थिति नहीं होती। जितने ग्रामीण है सब दहशत में है और दहशत का एकमात्र कारण है कि अधिकारी जो संबंधित अधिकारी है बहुत शिथिल है और शिथिलता की वजह से लोगों में भय व्याप्त है, जिससे इतना भय लग रहा है कि नदी कभी भी अगर स्पर को तोड़ती है तो बांध को तोड़ने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। अभी युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है और एजेंसी लगाने की जरूरत है। जो स्थानीय एजेंसी काम करे उसके द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? एजेंसी यहाँ पर पहले भी हम लोग उंगली खाते रहे हैं कि एजेंसी लोकल एजेंसी ज्यादातर शिथिल काम करती है। बाहर से कंपनी अगर आकर के इसको ही कंपनी को दे करके चुनौती के रूप में उसको टाइमिंग दिया जाता तो निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया काम है। प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? हम लोग मांग करते हैं निश्चित तौर पर ग्रामीणों की तरफ से और गंडक दियारा संघर्ष समिति की तरफ से कि बाहर से एजेंसी बुला करके और युद्ध स्तर पर इस पर काम कराया जाए। इंकलाब टीवी समाचार आपको अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।